नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको पीठासीन अधिकारी महोदय के कर्तव्यों की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो आपके लिए उपयोगी होते हैं उन्हें वीडियो के रूप में चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूं और उचित प्रक्रिया के साथ आपको जानकारी देता हूं, जिससे आपका कार्य जो है वो आसान हो जाता है। तो चलिए साथियों, जानते हैं पीठासीन अधिकारी महोदय के कर्तव्यों को। तो पीठासीन अधिकारी महोदय के कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो उनका पहला कर्तव्य मेरे अनुसार पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड के कर्तव्यों को जानना है। यदि आपको पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड के कर्तव्य की जानकारी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपके लिए चैनल पर पहले ही वीडियो उपलब्ध करवा रखे हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड के कार्यों की जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार विजिट कर लीजिएगा, वहां आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। भाई पीओ फर्स्ट को क्या कार्य करना है, पीओ सेकंड को क्या कार्य करना है, पीओ थर्ड को क्या कार्य करना है, तो आप उनके कार्यों से भी परिचित हो लीजिएगा। बात करते हैं साथियों हम पीठासीन अधिकारी महोदय के अन्य कर्तव्यों की। तो उनमें से पहला कर्तव्य रहेगा पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक है। जो भी मतदान केंद्र आपको अलॉट किया जाएगा उसका संपूर्ण पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, यदि आपकी नियुक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में हुई है तो। अब दूसरा कार्य जो आपको दिया जा रहा है, मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व तो पीठासीन अधिकारी का रहेगा। जो भी केंद्र आपको एलोट होगा उसके 100 मीटर की परिधि जो रहेगी उसके आप सर्वे सर्वा है, वहां आचार संहिता का पालन करवाना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य कार्यों की हम बात कर लेते हैं तो मतदान केंद्र की स्थापना करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, चुनौती निविदित मत पत्र, टेस्ट वोट, अंधे शीतलांग, अल्पायु तथा एएसडी मतदाताओं द्वारा मतदान के मामले निपटाना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ये सब कार्य आपको करने हैं। ईवीएम पर मॉक पोल कराना, जो मतदान से पहले मॉक पोल करवाया जाएगा उसको करवाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही रहेगी। वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल का डाटा क्लियर करना व प्रमाण पत्र जारी करना, जो वास्तविक मतदान होगा उससे पहले आपको कंट्रोल यूनिट से जितने भी मॉक पोल में आपने वोट कास्ट करवाए हैं उनको क्लियर करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी और उसका प्रमाण पत्र 17 का रजिस्टर में आपको जारी करना होगा, तो वो प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही रहेगी। उसके अलावा अन्य कार्यों में नियंत्रण यूनिट में ग्रीन पेपर सील, जो आपकी नियंत्रण यूनिट रहेगी या जिसे हम कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, उसके ऊपर आपको ग्रीन पेपर सील लगानी है, वो ग्रीन पेपर सील लगाने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। उसमें एक स्पेशल टैग लगेगा, वो स्पेशल टैग भी आपको ही लगवाना है। उसके अलावा एड्रेस टैग आपको लगाकर मतदान के पूर्व मशीन को तैयार करना, यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी। उसके अलावा अन्य कार्यों की हम यहाँ बात करें तो सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या बताना। सेक्टर मजिस्ट्रेट आपसे समय समय पर जानकारी मांगेंगे तो आपको जानकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवेलेबल करवानी होगी, ये जिम्मेदारी भी आपकी ही रहेगी। अब बढ़ते हैं हम पीठासीन अधिकारी महोदय के अन्य कर्तव्यों की ओर। तो मतदान समाप्ति पर सीयू का क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करना। जब मतदान समाप्त होगा तो आपके पास जो कंट्रोल यूनिट है, पीओ थर्ड के पास कंट्रोल यूनिट रहेगी, उस कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाकर मतदान समाप्त करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही रहेगी। अगले कार्य की हम बात करें तो मतदान समाप्ति के बाद सीयू, वीवीपैट तथा बीयू को कैरिंग बॉक्स में सील करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। जो सीयू रहेगी या कंट्रोल यूनिट रहेगी उसके कैरिंग बॉक्स में उसको रखना है, सील करना है, उसको एड्रेस टैग लगाने हैं। वीवीपैट को भी आपको कैरिंग बॉक्स में रखना है, सील करना है, एड्रेस टैग लगाने हैं, और बैलेट यूनिट को भी आपको कैरिंग बॉक्स में रखना है, सील करना है, एड्रेस टैग लगाना है, ये संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उसके बाद बात करें हम अगले कर्तव्यों की तो सांवैधानिक व असांवैधानिक लिफाफे तैयार करना एवं जहां आवश्यकता हो वहां सील करना,
ये जिम्मेदारी भी आपकी ही रहेगी। जो सारे लिफाफे आपको दिए जाएंगे उसमें आपको स्पष्ट लिखा मिलेगा, सांविधिक एवं असांवैधिक लिफाफे मिलेंगे और लिफाफों पर भी आपको लिखा मिलेगा कि कौन से लिफाफे को सील करना है, कौन से लिफाफे को सील नहीं करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको लिफाफों पर ही मिल जाएगी। तो लिफाफों पर जो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको रीड करते हुए आपको लिफाफों को उसी तरह सील करना है, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बढ़ते हैं हम अगले कर्तव्य की ओर। तो समस्त मतदान सामग्री एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर प्रथम द्वितीय और तृतीय काउंटर पर मतदान सामग्री जमा करना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सारी सामग्री जो निर्वाचन विभाग द्वारा आपको दी जाएगी वो सामग्री आपको वापस जमा करवानी होगी। तो वो जमा करवाने के लिए आपके लिए प्रथम द्वितीय और तृतीय काउंटर बनाए जाएंगे, तो वहां सामग्री जमा करवाना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है पीठासीन अधिकारी महोदय को दिए गए हैं। मतदान के समय पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण दायित्व, जब मतदान आपके केंद्र पर प्रारंभ हो जाएगा उस समय भी आपके बहुत से महत्वपूर्ण दायित्व रहेंगे। वो दायित्व कौन कौन से हैं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। प्रत्येक मतदाता के प्रवेश को विनियमित करें, जो भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर आएगा उसको नियमबद्ध तरीके से लाइन से आपको बुलाना है और लाइन से ही अंदर प्रवेश देना है, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 का में प्रविष्ट है उसी क्रम में मतदान करवाएं, ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो मतदाता आएगा 17 का में उसका नाम लिखा गया है, जिस क्रम संख्या पर लिखा गया उसी क्रम संख्या के अनुसार आपको मतदाता को आगे भेजना है और वोट कास्ट करवाना है। डाले गए मतों की संख्या का समय समय पर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाता की संख्या से मिलान करें। जो मतदान आपके केंद्र पर प्रारंभ रहेगा या मतदान चलता रहेगा तो आपको कंट्रोल यूनिट को भी चेक करना है, उसके अलावा मतदाता रजिस्टर को भी चेक करना है। दोनों में जो मत कास्ट हुए हैं उनकी संख्या सेम होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करे, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी मतदाता ऐसा ना हो जो बिना मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए मतदान करके चला जाए, ये निगरानी आपको दिन भर रखनी है। साथ में जिन मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर दिए हैं वे मतदान किए बिना बाहर नहीं चले जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मान लो किसी मतदाता ने मतदाता रजिस्टर में जो हस्ताक्षर कर दिया है लेकिन वो बिना मतकास्ट किए ही बाहर चला गया, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बिना हस्ताक्षर किए मतदाता को मतदान करने की अनुमति नहीं देनी है, और जिन मतदाताओं ने मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दिए हैं वो वोट कास्ट करके ही जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा ना दे, ये बात आपको विशेष रूप से साथियों ध्यान रखनी है कि आपको जो भी मतदाता वहां आता है उसको मतदान कक्ष की फोटो खींचना अलाउ नहीं है और फिल्म बनाने की अनुमति भी आपको नहीं देनी है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल जो भी नए मतदाता आते हैं वो फोटो खींचते हैं मतदान केंद्र के अंदर आकर, तो ऐसी अनुमति आपको नहीं देनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले कर्तव्य की ओर। पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की स्थिति में मतदान केंद्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। मतलब यदि पीठासीन अधिकारी किसी कारणवश मतदान केंद्र पर अनुपस्थित रहता है तो ऐसी कंडीशन में पीओ फर्स्ट जो हमारे रहेंगे उनको पीठासीन अधिकारी के संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करना होगा। तो उन साथियों के लिए भी ये जरूरी बिंदु है, जिनकी नियुक्ति पीओ फर्स्ट के रूप में हुई है उनको भी ये सारे दायित्व जो पीठासीन अधिकारी के दायित्व बताए गए हैं इनकी जानकारी होना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश, वैसे होगा नहीं परंतु किसी कारणवश हमारे पीठासीन अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में पीओ फर्स्ट को सारे कार्य करने होंगे, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो भी साथी की पीओ फर्स्ट में ड्यूटी लगी है वह साथी भी इन नियमों को जान ले। यदि कोई पर्दानशीन महिला मतदाता अपना चेहरा किसी मौजूद पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है
तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र क्षेत्र में उपलब्ध किसी भी महिला को जो कि मतदान क्षेत्र में रहती हो को बुलाकर ऐसी पर्दा नशीन महिला की पहचान करवाने में सहायता ले सकता है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय प्रथम रहेंगे उनके पास मतदाता आएगा और मतदाता की पहचान करना उनकी जिम्मेदारी है, परंतु उनके पास कोई पर्दा नशीन महिला आ जाती है वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती, वो मना कर देती है कि मैं चेहरा अपना किसी को नहीं दिखाती। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप पीठासीन अधिकारी का दायित्व निभा रहे हैं तो आपको क्या करना है, मतदान क्षेत्र में जो भी महिलाएं उपस्थित है जो उसी क्षेत्र में रहती है उस महिला को जानती है उसका चेहरा उन महिलाओं को दिखा सकता है और पूछ सकता है कि ये वास्तविक मतदाता है या नहीं है। तो ये दायित्व भी आपको निभाना है। तो उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप पीठासीन अधिकारी महोदय के कर्तव्यों की संपूर्ण जानकारी जान पाए होंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो साथियों प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और हाँ साथियों इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा ताकि उनका कार्य भी जो है आसान हो जाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।